नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। जब से 24 मार्च को भारत सरकार ने नेशन वाइड लॉकडाउन इम्पोज किया था, तब से COVID-19 पैंडेमिक के नैरेटिव के साथ साथ दूसरे पैरेलल स्टोरीज भी चलती रही हैं। इश्यूज डाइवर्ट करने के लिए हो या फिर पब्लिक अटेंशन को किसी दूसरे तरफ डाइवर्ट करने के लिए या मोड़ने के लिए ही बात हो, नॉन प्रायोरिटी इश्यूज पर लगातार चर्चा होती रहती है। तबलीगी जमात का मुद्दा हो या फिर आरोग्य सेतु को कंपल्सरीली डाउनलोड करने की बात हो या फिर नागरिकों को आत्मनिर्भर होने की बात हो, लद्दाख में चीन के साथ तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एक अलग ही मुद्दा बन गया, और अयोध्या में अब जाके भूमि पूजन की बात हो, और अब पिछले लगातार करीब एक फोर्टनाइट से राजस्थान में एक तरह से पॉलिटिकल घमासान चल रहा। इस मेलोड्रामा में जो राजस्थान में चल रहा है, वहां पॉलिटिशियंस तो अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं, जो वो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन इसमें गवर्नर का जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, ये बहुत ही सस्पिशियस है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा बीजेपी के नेता और पहले मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनका रोल इस पूरे एपिसोड में किसी भी तरह से फेयर, इम्पार्शियल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने रूल बाउंड होने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो रिकमेंडेशन था कि स्टेट असेंबली को कन्वीन किया जाए, उसको एक बार नहीं 3 बार उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइंस और प्रेसिडेंट्स हैं, क्लियरली कहा गया है कि गवर्नर्स रोल हैज नो discretion in this matter under article 174 of the constitution. Governor ke role ka misuse to British period se hi hota aa raha hai. Pehle Government of India Act of 1935 tha. Iske antargat provincial sarkaron ko control kiya ja sakta tha. Wahi pratha azadi ke baad bhi chalti rahi. Pehle jab BJP opposition mein thi, तब वो कांग्रेस या बाकी पार्टियों के सरकारों को क्रिटिसाइज करती थी, परंतु सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी ने ठीक वही किया जो पहले की सरकारें करती थी। राजस्थान का मुख्य मुद्दा है, कांग्रेस विधायक दल के कुछ सदस्यों ने सचिन पायलट के लीडरशिप के अंडर अशोक गहलोत के खिलाफ रिवोल्ट किया। इस एंटायर एपिसोड ने सवाल खड़े किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये हमारे देश के एंटी डिफेक्शन लॉज पर। ये लॉज जो हैं, ये फॉर्मली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के हिस्से में आते हैं। आपने जरूर आया राम गया राम का तो फ्रेज सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि ये फ्रेज एक्चुअली इसका ओरिजिन किसी एक एमएलए के नाम पर है? जी हाँ, बात दरअसल अक्टूबर 1967 की है। हरियाणा के एक एमएलए थे गया लाल। 1967 के असेंबली इलेक्शंस में पलवल के एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से गया लाल इंडिपेंडेंट एमएलए के तौर पर इलेक्ट हुए थे। कांग्रेस की मेजॉरिटी 1967 के चुनाव में उतनी कंफर्टेबल नहीं थी और वेफर थिन थी। उस पार्टी के बीच में और ऑपोजिशन के बीच में रस्सा कस्सी चल रही थी, सरकार कौन बनाएगा। उसी पीरियड में गया लाल ने 15 दिन के अंदर 3 बार कांग्रेस और संयुक्त विधायक दल के बीच क्रॉसओवर किया, और इस तरह से पॉलिटिक्स में आया राम गया राम की ट्राइब एस्टैब्लिश हो गई। अनुमान लगाया जाता है
कि 1967 और 1971 के बीच 142 डिफेक्शंस पार्लियामेंट और 1969 स्टेट असेंबलीज में हुए थे। इस एपिडेमिक ऑफ डिफेक्शंस की वजह से 32 इलेक्टेड सरकारें गिर गई थी या कोलैप्स कर गई थी। डिफेक्शन करने वाले विधायकों या सांसदों में से 212 ऐसे थे जिनको पुरस्कार के तौर पर मिनिस्टेरियल बर्थ बांटे गए थे। औरों को भी और कुछ मिला होगा। ऐसा नहीं कि डिफेक्शंस मेड इट्स एडवेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स ओनली इन 1967। कॉलोनियल पीरियड में भी ऐसे कई इंस्टेंसेस हमको मिलते हैं जहां इलेक्ट होते थे कांग्रेस के कैंडिडेट के हिसाब से, लेकिन अल्टीमेटली क्रॉसओवर करके ब्रिटिश पॉलिसीज को सपोर्ट करने लगते थे। 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक विंग था, वो अलग हो गई। इनके नेताओं ने मॉरल प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में रिजाइन कर दिए, रिजिग्नेशंस अपने दे दिए, मगर इस प्रैक्टिस को आगे किसी ने कंटिन्यू नहीं किया। 1957 और 1967 के बीच में हमको आंकड़े मिलते हैं। 97 लेजिस्लेटर्स ऐसे थे जो कांग्रेस छोड़कर दूसरे पार्टियों में शामिल हो गए, वहीं 419 MLAs ऑफ डिफरेंट पार्टीज डिफेक्ट करके कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाय द एंड ऑफ 1971 अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ लेजिस्लेटर्स हैड चेंज्ड देयर पार्टी एफिलिएशंस सम टाइम और द अदर इन देयर करियर। मेनी ऑफ देम हैड चेंज्ड इट एज मेनी एज 5 टाइम्स। इसका मतलब लोग पार्टी ज्वाइन करते थे नॉट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल और प्रोग्रामेटिक कमिटमेंट बट फॉर सेल्फिश गेन। इस एपिडेमिक ऑफ डिफेक्शंस के बारे में चर्चा भी हुई। दिसंबर 1967 में रेजोल्यूशन भी पास हुआ लोकसभा में। हाई लेवल कमिटी स्थापित की गई, होम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष बने, लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर्स इसके सदस्य थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसके मेंबर बने। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1969 में गवर्नमेंट को प्रेजेंट की और फिर हाउस में इसको टेबल किया गया। इस प्रॉब्लम को अनअवॉइडेबल माना गया, कहा गया कि इट इज रूटेड इन पॉलिटिकल इररेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑपर्चुनिज्म। मूल कारण नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ पार्टीज भी बताया गया। अगर प्रैक्टिस को कर्ब करने की कड़ी कोशिश की जाए, रिपोर्ट में कहा गया था, तब इट वुड इम्पिंच एडवर्सली ऑन ऑनेस्ट एंड जेन्युइन डिसेंट। पॉलिटिकल पार्टीज को कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व करने को कहा गया, रिकमेंडेशंस में थी। डिफेक्टर्स को पीएम, सीएम या फिर मिनिस्टर बनने से डीबार करना चाहिए, ये बात भी रिपोर्ट में रिकमेंड की गई। और भी कई सारे रिकमेंडेशंस थे जो सरकार को इस कमिटी ने दिए थे, परंतु उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फाइनली 4 साल बाद मई 1973 में सरकार ने उस समय के लोकसभा में 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टेबल किया। 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में डिफेक्टर्स को और उन लेजिस्लेटर्स को जिन्होंने पार्टी विप का वायलेशन किया हो, उनको डिस्क्वालिफाई करने का प्रोविजन रखा गया। इस बिल को पार्लियामेंट्री जॉइंट कमिटी को रेफर कर दिया गया, लेकिन पहले तो जून 1975 में इमरजेंसी इंपोज हो गई और उसके बाद 1977 में लोकसभा ही रद्द करके फ्रेश इलेक्शंस करवाने की प्रोसेस शुरू कर दी गई, तो बिल उसी तरह से लैप्स कर गया। 1977 में ठीक चुनाव होने के तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन ने भी रिकमेंड किया
कि डिफेक्टर्स और विप को वायलेट करने वालों को डिस्क्वालिफाई करने के प्रावधान होने चाहिए। ईसीआई ने लेकिन ये कहा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन करने से ही हो जाएगा। डिबेट के बाद 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगस्त 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। इसमें 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस को मेंशन करने की बात भी इसमें उठाई गई थी, लेकिन इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले ही उस पर बहुत बड़ा डिबेट और उस पर ऑपोजिशन हुआ, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन से भी। तो अल्टीमेटली सरकार ने इस बिल को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद में कहानी शुरू होती है 1982 से, जब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में किसी दूसरे केस के तहत कई सारे स्टार्टलिंग फैक्ट्स सामने आए डिफेक्शन को लेकर जम्मू एंड कश्मीर में। 41 या 41 इन 1977, 57 1978 में, 69 इन 1979 और 74 इन 1980। हाउस की स्ट्रेंथ से बस कुछ ही कम लोग डिफेक्ट कर जाते थे। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने जिस प्लैंक पर चुनाव लड़ा था उसमें डिफेक्शन के प्रोसेस को खत्म करने की भी प्रॉमिस की गई थी। 35 साल पहले 24 जनवरी 1985 को 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया गया था। पॉलिटिकल डिफेक्शंस को मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न कहा गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में। तेजी से बिल दोनों सदनों में पास हो गया 30 और 31 जनवरी 1985 को। राष्ट्रपति ने भी 15 फरवरी को बिल को मंजूरी दे दी और नोटिफिकेशन 1 मार्च को जारी हो गया, एंटी डिफेक्शन कानून बन गया। डिफेक्शंस इलीगल तो हो गए, हालांकि ये प्रोविजन रखा गया कि अगर स्प्लिट होने वाले सदस्य लेजिस्लेटिव पार्टी के 1/3 या उससे ज्यादा हो तो स्पीकर उनको डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं। 1985 में राजीव गांधी सरकार की कंप्लीट पॉलिटिकल हेजेमनी थी। कुछ लोगों को लगा कि इस मुद्दे पर और बहस होनी चाहिए, तो कुछ औरों को लगा कि भाई 1973 से तो बहस करते ही आए हैं, अब और किस बात की देरी। जल्दी ये साबित हो गया कि गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर वाइज पॉलिसी। एंटी डिफेक्शन कानून ने कंट्रोवर्सीज ज्यादा खड़े किए और सेटलमेंट कम किए। सुप्रीम कोर्ट में एंटी डिफेक्शन एक्ट चैलेंज हुआ। नवंबर 1991 में स्प्लिट जजमेंट आया। 3 जजेस ने कानून को अपहोल्ड किया और 2 जजेस ने कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। क्लियरली देश के सबसे बड़े कोर्ट में ओपिनियन डिवाइडेड थी कि क्या ये संविधान के अंतर्गत है या नहीं है। जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच में भी एक्ट्स के इंटरप्रिटेशन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के डिसीशंस पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने जुडिशियल रिव्यू की इच्छा व्यक्त की और लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये कहा कि हमको इस पूरे लॉ को रिविजिट या रीलुक करना चाहिए। कुछ ने तो यहां तक कहा कि द एक्ट माइट हैव स्टॉप्ड रिटेल डिफेक्शन बट इट हैज एनकरेज्ड होलसेल डिफेक्शंस। धीरे धीरे एंटी डिफेक्शन एक्ट में कई और ड्रॉबैक दिखाई देने लगे। फाइनली वाजपेयी सरकार ने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टेबल किया। बिल टेबल होने के बाद
उसको एक कमिटी के पास भेज दिया गया। पार्लियामेंट्री कमिटी थी ये, प्रणब मुखर्जी के चेयरमैनशिप के अंडर। कमिटी ने अपने रिपोर्ट में ये कहा, द प्रोविजन ऑफ स्प्लिट हैज बीन ग्रॉसली मिसयूज्ड टू इंजीनियर मल्टीपल डिविजन्स इन द पार्टी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ईविल ऑफ डिफेक्शन हैज नॉट बीन चेक्ड इन द राइट अर्नेस्ट। फर्दर इट हैज बीन ऑल्सो ऑब्जर्व्ड that the lure of office of profit plays dominant part in the political horse trading, resulting in spate of defections and counter defections. Gaurtalab hai, lure of office and political horse trading. 1985 ke anti-defection kanoon mein jo one-third split ka provision tha, usko hatakar two-third kar diya gaya. 2003 के अमेंडमेंट में 1967 के रिकमेंडेशंस को भी एक्सेप्ट या इंक्लूड किया गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज को लिमिट कर दिया गया, लेकिन अभी भी एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज हो रहा है। राजस्थान के डेवलपमेंट्स ही देखिए, इस कानून के इनएडिक्वेसीज हर कदम पे दिखाई दे रहे हैं। नए नए हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मिनिस्ट्री के साइज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है हर स्टेट में, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का पोस्ट भी प्लेंटीफुल क्रिएट किया गया है। मिनिस्ट्री ना सही, डिफेक्टर्स को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनने का तो मौका मिल जाता है। एक्सेस ऑफ पावर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसोर्सेस तो रहता है। इस चले आ रहे डिफेक्शन की प्रथा की वजह है स्पीकर अब राजनीति में ज्यादा हिस्सा लेते हैं। पहले स्पीकर के पोस्ट को न्यूट्रल माना जाता था, लेकिन अब तो एक तरह से स्पीकर भी पूरी तरह से सरकार के साथ मिली जुली रहती है। कानून में स्पीकर्स के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं सेट किया गया है कि डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स और जुड़े हुए मैटर्स को उनको कितने टाइम फ्रेम के अंदर सेटल करना है। स्पीकर के ऑफिस और सीएम के ऑफिस में अक्सर कई स्टेट्स में डिवाइडिंग लाइन दिखाई नहीं देती है। लेजिस्लेचर इज बीइंग गाइडेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑन मोस्ट ओकेशंस। डिफेक्ट करने के बाद एमएलएज रिजाइन कर देते हैं, फिर बाय इलेक्शन में खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य को खड़ा करके जितवा लेते हैं। हाउस का इफेक्टिव स्ट्रेंथ को कैसे कम करके गवर्नमेंट को माइनॉरिटी में रिड्यूस किया जा सकता है, इसके बारे में नए नए स्ट्रेटजीज सोचे जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ डिफेक्शन रोकने के लिए नहीं, बल्कि इस इमोरल प्रैक्टिस को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था। वैल्यूज और डेमोक्रेटिक कोशेंट इन पॉलिटिक्स का लगातार पतन होता जा रहा है। नमस्कार।